गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर पिक्सआर्ट की सहायता से कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई वाली फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। गाइज यहाँ पे देख पा रहे फोटो कितनी कमाल की एडिट हुई है एंड गाइज फुल HD क्वालिटी में एडिट हुई है। गाइज आप भी अपने फोटो को कुछ इसी तरीके से एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वीडियो के एंड में आप भी अपने फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग करना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले अपने गैलरी से आप अपने नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस फोटो को आपको एडिट करना होगा। उसके बाद यहाँ सेंड वाले आइकॉन पर क्लिक करके इस फोटो को जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख पा रहे फोटो जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ब्लर, कलर, आर्टिस्टिक, तो आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कलर रिप्लेस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको रिप्लेस ह्यू का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट में, तो इसको आपको पूरा इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पर मिनी ह्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको भी आपको बढ़ाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से 57 आपको रख लेना है। ठीक है, और मैक्स व्यू को आपको पूरा इंक्रीज करके 80% आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। फिर से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टी शर्ट को आपको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको रिप्लेस व्यू को हल्का सा इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर कलर को चेंज करके यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट कर लेना है। फिर अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा ना कि यहाँ पर रिमूव वीजी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो रिमूव वीजी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं आपके बैकग्राउंड जो है पूरा आपको रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा ना कि ऊपर आपको इरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इरेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हार्डनेस को जो है आपको कम करना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से नीचे से आपको हल्का सा ब्रश को साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और नीचे से कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, नीचे से कुछ इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करना है, देख पा रहे हो। एंड गाइस इतना करने के बाद यहां से आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। अब यहां पे आपको ना यहां पे टच करना है हल्का सा, उसके बाद यहां पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले बैकग्राउंड को आपको ऐड करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना, तभी आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे फोटो को देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर फोटो कितनी मस्त लग रही है। तो अब यहाँ पे हम जो है एक PNG को ऐड करने वाले हैं, तो PNG को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको PNG को ऐड करना होगा। ठीक है, इस वाले PNG को आपको ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद ना इसको कुछ इस तरीके से हैंड पे आपको लगाना है। ठीक है, तो इस PNG का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इनकेस में जितने भी PNG का यूज़ किया हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको अपने हैंड के ऊपर रखना, इस तरीके से रख लेना है और वहाँ पे रखने के बाद ऊपर आपको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फोटो को कुछ इस तरीके से आपको जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से आपको इरेज कर लेना ताकि आपको ताकि लगे ना कि रियल में पकड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है, देख पा रहे हो। और यहाँ पर इरेज करने के बाद ऊपर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट कर लेना है यहाँ से। देन गाइस यहाँ पर देख पा रहे फोटो कितनी मस्त लग रही है, एंड गाइस यहाँ पर रियल लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फोटो एडिट हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक PNG को और आपको ऐड करना है, इस वाले PNG को। ठीक है, उसके बाद ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है साइज़ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है आपको। आपको अपने शरीर से कुछ इस तरीके से इरेज करना है। ठीक है, केवल आपको शरीर से इरेज करना है।
यहाँ से भी कर लेते हैं गाइज। अच्छे तरीके से अपने शरीर से अरेंज कीजिएगा ताकि फ़ोटो जो है अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फोटो के अंदर से अरेंज कर लिया हूँ शरीर के मतलब बॉडी के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको राइट कर लेना है। एंड गाइज फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से बटरफ्लाई वाले पीएनजी को आपको ऐड करना है। यहाँ से ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। एंड गाइज इस पीएनजी को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो ताकि लगे कि मतलब पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको राइट कर लेना है। फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके एक और पीएनजी को आपको ऐड कर लेना होगा। गाइज इस वाले पीएनजी को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटा करके आपको ना कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे लगा देना है और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। एंड गाइज इस फोटो को अब यहाँ से हम ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करके यहाँ सेव इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस फोटो को आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है यहाँ से। एंड गाइज स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद यहाँ टूल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्मूथ टू को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन स्मूथनिंग को जो है फुल 100 कर देना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे स्पॉट लाइट को जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 20% कर लेना है। फिर से यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे फोटो कितनी मस्त लग रही है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्टिव पे क्लिक करके यहाँ से फेस को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से और फेस को वाइट करना चाहते हो तो यहाँ से वाइट कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। एंड गाइज यहाँ पे आपको ना स्ट्रक्चर को कम करना है और सैचुरेशन को भी कम कर लेना है हल्का सा। उसके बाद यहाँ राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके राइट कर लेना है। देन गाइज यहाँ पे फोटो को देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितनी मस्त लग रही है। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।